एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाने वाली 7 जनवरी 2023 की करंट। हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छे लगे तो आप लाइक करना नहीं भूले। आपके फैमिली में अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे तो आप उनको शेयर करना नहीं भूले ताकि उनको भी इन वीडियोज का फायदा हो सके। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और आपको वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और वो क्वेश्चन आपके लास्ट क्लासेस से रिलेटेड होंगी। ये क्वेश्चन जो मैं आज आपको देने वाली हूँ, ये मैंने 6 जनवरी 2023 की करंट में करवा दिया है, तो आपको भी पता चलेगी कितना आपको याद है और आप कितना भूल गए। तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूले, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसकी सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री लॉन्च्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। विच कंट्री लॉन्च्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें कंट्री का नाम लिखना है आपको और इसकी एम क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं 7 जनवरी 2023 की। आज का फर्स्ट करंट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयर्ड हाई लेवल मीटिंग टू इलिमिनेट काला आजार फ्रॉम द कंट्री बाय 2023। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता की है, जिसमें ये कहा गया कि काला आजार जो है, काला आजार को इंडिया से इलिमिनेट करना है 2023 तक। इसमें 4 स्टेट शामिल थे, कौन कौन से, तो बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इंडिया अकाउंट्स फॉर 11.5% ऑफ द टोटल केसेस रिपोर्टेड ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया में 11.5% लोग कालाजार के वजह से बीमार होते हैं। इसमें जो है, अब बिहार एंड झारखंड करेंटली अकाउंट्स मोर देन 90% ऑफ द कालाजार, मतलब 90% कालाजार जो है केसेस वो कहां से आए हैं, बिहार एंड झारखंड से। तो चलिए काला आजार आया है, तो काला आजार से जितने भी स्टैटिक रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो सारे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि काला आजार होता क्या है और ये कौन से इंसेक्ट्स की वजह से होता है, कैसा डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है, कैसा है, वायरल डिजीज है, किस टाइप का डिजीज है, इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, किसके द्वारा स्प्रेड होता है, इसके क्या सिम्टम्स, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो काला आजार जो है इसे ब्लैक फीवर और दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट्स की वजह से होता है, कौन से जीनस का है, ये लिस्मानिया जीनस का, और ये स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई के द्वारा। ये क्या करता है, इट माइग्रेट्स टू द इंटरनल ऑर्गन सच एज लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो। अब आप समझ लीजिए कि जो ये लीवर है, स्प्लीन है, बोन मेरो है, ये हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन है, और ये कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाता है, इनमें इन्फ्लामेशन काउस करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखिए कि ये कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमारा खराब कर रहा है। तो सिम्टम क्या है इसका, सिम्टम ये है कि फीवर आएगा, वेट लॉस होगा क्योंकि ये आपको भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस तो होना ही है, फैटिक थकावट सा लगता है, एनीमिया, ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन, इस लीवर और स्प्लीन में स्वेलिंग कॉज करेगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, जगह मिशन के बारे में। ये मिशन से रिलेटेड है, ये जगह मिशन, ये जो लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी एम क्या है, टू मेक ओडिशा द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी स्लम फ्री बाय द एंड ऑफ 2023। मतलब इंडिया का पहला स्टेट होगा ये जहां जो बिल्कुल ही स्लम फ्री हो जाएगा एट द एंड ऑफ 2023। ये इसकी एम है ओडिशा। अब इस मिशन के लिए ओडिशा को जो है एक अवार्ड मिला है, ओडिशा वॉन UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का थर्ड पॉइंट क्या है, मेन्स वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 बाय IFFHS सूजन, किसको चूज किया गया है मेन्स वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स फॉर 2022, लियोनेल मेसी को। अब IFFHS आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टेटिस्टिक्स। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर पॉइंट है, देखिए आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन भी करते रहे क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपके माइंड में जाएगा और आपको याद भी होगा, लेकिन अगर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं फिर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जहां बंधन वहां ट्रस्ट,
ये एक कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। अब आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि किसने लॉन्च किया है, आपको ये पूछेगा कि इससे रिलेटेड कौन से पर्सनालिटी को फीचर किया गया है। तो पर्सनालिटी फीचर्स कौन है, सौरव गांगुली, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो अब बंधन बैंक आया, तो बंधन बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है, आप जान लें। ये जो है एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और फॉर्मेशन इसकी 2015 में हुई थी। और इसकी टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, तो ये एक डैम से रिलेटेड है। क्या है, तो यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कहां पे बनेगा ये डैम, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, किसके द्वारा, तो बाय सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड शिमला में और मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पॉइंट है एट नंबर पॉइंट क्या है, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है मोहाली में, पंजाब के मोहाली में। किसके द्वारा किया गया, तो बाय यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन है वो, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए द नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का नाइन्थ नंबर पॉइंट है बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड, अवार्ड से रिलेटेड है। बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड किसको मिला है, तो महाराष्ट्र के जल्ला एंड नागपुर पुलिस को मिला है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेंथ नंबर पॉइंट, और आज का लास्ट ही पॉइंट है ये, तो विच कंट्री इनॉग्रेटेड द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना। किस कंट्री ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है, किसके सपोर्ट से, तो चाइना के सपोर्ट से। तो किसने, तो नेपाल, नेपाल ने। तो चलिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो मैं अभी फिर से बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है आपका, तो विच कंट्री लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका आपको कंट्री का नाम लिखना है, किसने लॉन्च किया है, और इसका एम भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। की ओर चलते हैं, सिक्स नंबर पॉइंट है, ये सिक्स नंबर पॉइंट जो है बुक से रिलेटेड है, ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेवंथ नंबर पॉइंट, फाइव स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन अवार्डेड टू द वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। फाइव स्टार ईट राइट स्टेशन ईट राइट सर्टिफिकेशन जो है वो किसको दिया गया है, तो द वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। क्यों, क्या होगा इसका, क्या पर्पस है, तो फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू दी पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना इसका पर्पस है। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो FSSAI फशाई के द्वारा। ये सर्टिफिकेशन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव, दिस सर्टिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव। अब यहाँ आया FSSAI फशाई, तो फसाई के बारे में आप जान ले, इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट बताने स्टार्ट करते हुए क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म जानना जरूरी है आपके लिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो फॉर्मेशन है वो 2008 में हुई थी, और हेडक्वार्टर क्या है, तो दिल्ली, और इसके चेयरमैन कौन है, तो श्री राजेश भूषण।